हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे बीएससी सेकेंड ईयर के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है बेटा वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन थ्योरी के बारे में कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं। अगर थोड़ा सा याद हो तो आपको पता होगा कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता था। उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल आयन अपने लिगेंड के साथ में लगे होते थे और इसके बाहर या तो सिंपल कैटायन होता था या फिर सिंपल एनायन होता था। इस प्रकार से एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स तैयार होता था। अब उसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में एक साइंटिस्ट है वर्नर, जिनका नाम है अल्फ्रेड वर्नर ने 1893 में यानी कि 1893 में किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी एक्सप्लेन की और उस थ्योरी का नाम क्या दिया, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। यानी कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए अल्फ्रेड वर्नर ने एक थ्योरी प्रपोज की। तो लिख सकते हैं कि अल्फ्रेड वर्नर ने एक थ्योरी प्रपोज की टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इन 1893 में किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी प्रपोज की है और उस थ्योरी का नाम क्या दिया है, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। और इस वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स क्या है, तो हम लोग देख रहे हैं कि मेन पोस्टुलेट्स पोस्टुलेट में बताया गया है कि किसी भी प्रकार के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में दो प्रकार की वैलेंसीज होती हैं। इनमें से एक प्रकार की वैलेंसी को हम प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं और दूसरे प्रकार की वैलेंसी को हम सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। तो क्या बोला है पोस्टुलेट नंबर वन में कि किसी प्रकार के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हैव टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, वन इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है ना, पहली बेटा कौन सी है, प्राइमरी वैलेंसी है और दूसरी बेटा कौन सी है, सेकेंडरी वैलेंसी है। तो किसी प्रकार के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में दो प्रकार की वैलेंसी होती है। एक प्रकार की वैलेंसी को हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी और दूसरे प्रकार की वैलेंसी को बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। दूसरी बात करते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी है क्या। तो यहां पर बोला गया है प्राइमरी वैलेंसी आर आयोनाइजेबल। कि अगर प्राइमरी वैलेंसी को हम आयोनाइज करना चाहें तो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयोनाइजेबल होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है एंड रेफर्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। मतलब कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उस सेंट्रल मेटल आयन का एक ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। वो ऑक्सीडेशन स्टेट बनता है उस कॉम्प्लेक्स में जितने भी प्रकार के आयन्स प्रेजेंट होते हैं। ये आयन्स लिगेंड भी हो सकते हैं और सिंपल एनायन भी हो सकते हैं। तो उन सिंपल एनायन या फिर लिगेंड को मिला करके कहा गया है ये प्राइमरी वैलेंसी है। लेकिन यहां पर एक वर्ड जोड़ दिया गया
कि एक आयोनाइजेशन आयोनाइजेबल है और दूसरा कैसा है नॉन डायरेक्शनल है। ये वैलेंसी जो होगी वो आयोनाइजेबल तो होगी लेकिन नॉन डायरेक्शनल होगी, और नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है कि किसी भी जगह पर उसको हम रख सके। एंड इसके बाद एक और लिख एक बात में हम कि प्राइमरी वैलेंसी आर सोन बाई डॉटेड लाइन्स। डॉटेड लाइन के द्वारा प्राइमरी वैलेंसी को शो किया जाता है। तो प्राइमरी वैलेंसी क्लियर हो गई, पहली कैसी होगी आयोनाइजेबल होगी, दूसरी बात कैसी नॉन डायरेक्शनल होगी, तीसरी बात ऑक्सीडेशन स्टेट को रिफर करेगी, और चौथी बात कि ये डॉटेड लाइन से प्रदर्शित की जाएगी या डॉटेड लाइन के बारे में डॉटेड लाइन से बताया जाएगा कि वैलेंसी कौन सी है। अगली वैलेंसी है बेटा सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी के बारे में तो जान गए कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, अब सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में जानते हैं कि सेकेंडरी वैलेंसी बेटा क्या होती है। सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयोनाइजेबल, कैसी होगी नॉन आयोनाइजेबल होगी, डायरेक्शनल होगी एंड रेफर्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड शोन बाय सिंगल लाइन। क्लियर की बात कि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो क्या है कि प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होगी और नॉन डायरेक्शनल है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी बेटा कैसी है नॉन आयोनाइजेबल है, मतलब उसका आयोनाइजेशन नहीं हो सकता है, डायरेक्शनल है कि एक स्पेस में फिक्स पोजीशन पर रखी होगी और उसके बाद में क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर को बताएगी कि कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है या सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, मतलब उसमें कितने लिगेंड प्रेजेंट है। और इस चीज को शो किया जाएगा किससे, एक सिंगल लाइन से शो किया जाएगा। यह बेटा है वर्नर का कोऑर्डिनेशन थ्योरी। ये वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी है कि वर्नर साहब ने प्रदर्शित किया है, नाम है वर्नर साहब का अल्फ्रेड वर्नर। अल्फ्रेड वर्नर साहब ने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी प्रपोज किया है, उस थ्योरी का नाम दिया है वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। और इस वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के ये तीन मेन पॉइंट है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हैव टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, वन इज नोन एज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंड इज नोन एज सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंड बात कि प्राइमरी वैलेंसी आर आयोनाइजेबल, नॉन डायरेक्शनल एंड रिफर्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन के ऑक्सीडेशन स्टेट को रिफर करती है, नॉन डायरेक्शनल होती है और आयोनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी को हम डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी बेटा नॉन डायरेक्शनल है, अनआयोनाइजेबल है, डायरेक्शनल है और कोऑर्डिनेशन नंबर को एक्सप्लेन करती है। आइए देखते हैं एग्जांपल से कि किस प्रकार से इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या आता है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है CoCl3.5NH3। इस CoCl3.5NH3 में एग्जांपल के हिसाब से या कोऑर्डिनेशन थ्योरी के हिसाब से इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर बेटा कुछ ऐसा होता है
ये बेटा इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है। अब यहां देख रहे हैं कि सिंगल लाइन कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 क्या है, सिंगल लाइन है। 6 क्या है, सिंगल लाइन है। डॉटेड लाइन कितनी है, 3 क्या है, डॉटेड लाइन है, ठीक है ना। अगर 6 सिंगल लाइन है इसका मतलब हो जाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर कितना है, 6 है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। और अगर डॉटेड लाइन 3 है इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितना है, प्लस करती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, 3, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, 6। बात यही ना कि COCl3 .5NH3 लिखा हुआ है, COCl3 .5NH3 लिखा हुआ है, इसमें स्ट्रक्चर ये हुआ, टोटल 6 सिंगल लाइन है, 3 डॉटेड लाइन है, तो 6 सिंगल लाइन का मतलब हो गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी वैलेंसी होती थी, इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी है। और अगर 3 डॉटेड लाइन है इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर प्लस का 3 है, और फिर सेकेंडरी वैलेंसी के साथ साथ प्राइमरी वैलेंसी बेटा यहां पर 3 है। तो यानी के मतलब क्या है कि 5 जो NH3 है वो 5 NH3 एज ए लिगेंड यूज हो रहे हैं, मतलब एज ए लिगेंड यूज हो रहे हैं, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर भी एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन 3 Cl में भी 1 Cl जो है वो दोनों में कॉमन है, प्राइमरी वैलेंसी में भी यूज किया जा रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी में भी यूज किया जा रहा है, और दोनों के बाकी के दो Cl हैं वो केवल प्राइमरी वैलेंसी हैं। इस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, तो हो जाएगा CO NH3 का होल ऑफ 5 Cl Cl2। ये स्ट्रक्चर कुछ हो जाएगा कैसा, इस प्रकार से। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हो गया बेटा 5 NH3 और 1 Cl ये, और बाहर क्या हो गया, 2 Cl2। तो इस प्रकार से क्या है कि आपका हो जाता है कि इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को हम रखते हैं यहां पर, और वही यहां पर आपको बताया गया है। तो अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। आज का ये टॉपिक यहीं पर फिनिश करते हैं। इस टॉपिक का नाम था बेटा वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। थैंक यू।